मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं आपराधिक मामलों में राजीनामे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान बताने जा रहा हूं। इसको राजीनामे को सुलहनामा भी कहा जाता है, समझौता भी कहा जाता है, कंप्रोमाइज़ भी कहा जाता है। तो जिन मामलों में आपराधिक मामलों में सुलहनामा हो सकता है, इस संबंध में CRPC की अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में प्रावधान दिए गए हैं। कुछ मामलों में बिना न्यायालय की अनुमति के राजीनामा हो सकता है तथा कुछ मामलों में राजीनामा के आधार पर कंप्रोमाइज़ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होता है। जब भी किसी आपराधिक प्रकरण में ये राजीनामा पार्टीज़ के मध्य किसी भी कारण से आगे दोनों शांतिपूर्वक रहेंगे, किसी तरह लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी त्रुटि के कारण गलती के कारण कोई मामला बन गया आपराधिक प्रकरण हो सकता है, दोनों पक्षों के मध्य क्रॉस मामले भी हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई मामले लग गए, और यदि मामला राजीनामा योग्य है जैसा धारा 320 में बताया गया है तो न्यायालय की अनुमति के बिना उसमें दो शेड्यूल दिए हुए हैं, चार्ट दिए हैं, और कुछ में न्यायालय की अनुमति के द्वारा सुलहनामा समझौता हो सकता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। सुलहनामा कैसे बनेगा, ये धारा 320 CRPC के अंतर्गत है। आपके वकील साहब इसमें ड्राफ्ट करेंगे। आपराधिक कानून में यदि घटना अपराध किसी कारण से घटित हो गई और बाद में किसी भी स्टेज पर ऐसा पार्टीज किया दोनों पक्षकारों को लगता है, इसमें एक विक्टिम हो सकता है। विक्टिम अर्थात जिसके साथ कोई घटना घटित हुई, अपराध घटित हुआ है, उसकी तरफ से राज्य शासन रहता है, APP रहते हैं तथा दूसरी ओर अभियुक्त रहते हैं। ये अभियुक्त एक या अधिक हो सकते हैं। तो केस को बंद कराने के लिए समझौते के आधार पर जो आवेदन दिया जाएगा वो न्यायालय के समक्ष किसी भी स्टेज पर दिया जा सकता है, जिसे सुलहनामा कहा जाता है। कई बार पति पत्नी के मध्य क्रिमिनल केस 498A का लग गया, हस्बैंड वाइफ में बाद में किसी कारण से राजीनामा हो गया तो कैसा करेंगे, तो न्यायालय का सबसे पहले उसमें नाम लिखा जाएगा सुलहनामा के लिए। CJM ACJM जो भी कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट का नाम लिखा जाएगा, विचार न्यायालय, FIR जहाँ रजिस्टर्ड हुई थी पूरी डिटेल देना, थाने का नाम लिखा जाएगा, थाने का FIR नंबर और डेट कब रजिस्टर्ड हुई थी, कौन कौन सी धाराएं हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए धारा 341 है, 323 है, 294 है, 506 है, तो वो सारा लिखना होगा। या पति पत्नी के मध्य कोई झगड़ा है, 498A का मामला है, बाद में राजीनामा हो जाता है, पार्टीज का नाम लिखना होगा, तो विक्टिम की जगह राज्य सरकार का नाम होगा और विरुद्ध अभियुक्त जो भी है एक या अधिक है उनका नाम होगा। आवेदन का प्रारूप तो उसमें विषय भी लिखा जाएगा कि दोनों पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है, वो आगे मामले को चलाना नहीं चाहते हैं, सुलहनामे के आधार पर समाप्त कराना चाहते हैं, तो उसमें निवेदन करना होगा न्यायालय से, माननीय महोदय उपरोक्त विषय में दोनों पक्षकारों के मध्य विवाद को सुलझा लिया गया है, वे शांतिपूर्वक भविष्य में रहना चाहते हैं, त्रुटिवश ऐसी गलती हुई थी, स्वेच्छा से वे समाप्त कराना चाहते हैं, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, घर परिवार आगे से भविष्य में शांतिपूर्वक चले और उन्होंने सुलह कर लिया है, सबूत के तौर पर उनको अपना हस्ताक्षर, फोटो, सुलहनामा, शपथ पत्र आदि भी दे सकते हैं। तो इस तरह राजीनामा एक सबसे अच्छा विकल्प है, जिससे पक्षकारों के मध्य शत्रुता नहीं बढ़ती है, भविष्य में वो शांतिपूर्वक किसी त्रुटि के कारण अगर ऐसा हो भी गया है तो उसको निपटाया जा सकता है। फिर अधिवक्तागण के हस्ताक्षर होंगे रिकॉर्ड में, इसको लिया जाएगा, न्यायालय विचार करने के बाद उस प्रार्थना पर उनके विचार करेगा कि ये सुलहनामा आपस में इन्होंने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के किया है और राजीनामा स्वीकार कर लिया जाएगा। नीचे उस आवेदन में तारीख डाली जाएगी, स्थान डाला जाएगा, दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर होंगे, उनके अधिवक्ता के हस्ताक्षर होंगे। इस तरह मैंने सरल भाषा में ये इस वीडियो में सुलहनामा समझौता आपराधिक प्रकरण में किस स्टेज पर कभी भी किया जा सकता है और धारा 320 CRPC के अंतर्गत ये कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। आप उस धारा को पढ़ लें, अधिवक्ता हैं तो देख लें, और इस तरह किसी भी मामले को एमिकेबली सेटल कंप्रोमाइज़ के आधार पर, सुलहनामा के आधार पर समझौता किया जा सकता है। मित्रों एक और अनुरोध है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, यदि नहीं जुड़े हैं तो जुड़ दें, उनके वीडियोज़ को देखें, और इस वीडियो में यहीं कर तक, कल फिर नए वीडियो के साथ मैं आपसे भेंट करूंगा। मैं हृदय से आपका आभारी हूं। सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती जा रही है, चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि कहा है नॉलेज इज़ पावर। आप जितना कानून को समझेंगे उतना आपके जीवन में वो कानून सहयोगी और सहयोग के रूप में कानून की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को देश के होना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, मैं कहता हूँ नॉलेज इज़ पावर। तो कृपया चैनल से जुड़िए। धन्यवाद इस वीडियो में, यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार मित्रों।